सॉल्वर ऑप्शन करेगा क्या? देखिए सॉल्वर ऑप्शन आपको डेटा टैब पे मिलता है, ये देखिए ये सॉल्वर है। अब यहां पर ये नेम ऑफ आइटम देख रहा है, प्राइस देख रहा है, यूनिट देख रहा है, टोटल देख रहा है, तो यहां पे प्राइस लिखा हुआ है। अब ये प्राइस को मल्टीप्लाई कर दिया यूनिट से और यूनिट जो है यहां पर टोटल होके आ गया है। अब ये तो मैंने सॉल्व कर दिया है, मैं आपको एक बार रिकैप में ले चलता हूं और फिर दिखाता हूं कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। देखिए करना क्या है, ये 1100 रुपए का है, ठीक है, देख रहे हैं 1100 रुपए का आपको गिफ्ट वाउचर मिला है क्योंकि आपने इतनी परचेजिंग की है। ये देखिए, ये मैं इसे डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर देता हूं, आपको देखने में सुविधा होगी। तो ये देखिए, ये इतनी परचेजिंग आपने की है, ठीक है, और इतने इतने रुपए का परचेजिंग किया है, और यहां पर आपको कम से कम 5000 या 4000 इससे ज्यादा की परचेजिंग करनी है, तो आपको 1100 का वाउचर मिला हुआ है, ठीक है, गिफ्ट वाउचर। अब इसको आपको स्पेंड करना है और आपको यही सब सामान खरीदने हैं, ठीक है। अब जब देखेंगे तो मॉनिटर है 7000 का, तो एक तो मॉनिटर खरीदेंगे तो भी तो गिफ्ट वाउचर स्पेंड नहीं होगा क्योंकि गिफ्ट वाउचर सिर्फ 1100 का है। सीपीयू खरीदेंगे तो भी नहीं हो पाएगा, ये एलईडी टीवी एलसीडी टीवी कुछ भी नहीं हो पाएगा, हाँ कीबोर्ड हो सकता है। तो इसी को एडजस्ट करके हमें दे देता है सॉल्वर ऑप्शन, ठीक है। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं कि इसको हम कैसे कर पाएंगे। यहाँ पर अगर सॉल्वर ऑप्शन आपको डिस्प्ले ना हो रहा हो तो यहाँ पर देखिए डेटा टाइप में डिस्प्ले होता है, तो देखिए मेरे में डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन अगर आपके में नॉट डिस्प्ले हो रहा हो तो आप फाइल पे चले जाइए और फाइल पे जाने के बाद आपको आ जाना है ऑप्शन पर। ये ऑप्शन पर जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा एडिंस, तो बस एडिंस पे चले जाइए और जैसे ही एडिंस पे आप जाते हैं तो आपके सामने एक नई विंडो खुलेगी, ठीक है, जो कुछ इस तरह की होगी, ठीक है। अब ये एड इन में सॉल्वर ऑप्शन आपको दिखेगा, चूंकि मैंने एक्टिवेट कर रखा है, ठीक है, आपके में सॉल्वर ऑप्शन दिखेगा। अब ये सॉल्वर एड इन, ये देखिए यहाँ पे ऐड कर चुका हूं मैं, ऊपर आपको दिखेगा, तो उसको सेलेक्ट करिएगा, फिर यहाँ गो टू पे जाइएगा, गो टू पे जैसे जाएंगे तो इस तरह की एक विंडो ओपन होगी, तो इसमें देखिए सॉल्वर ऑप्शन को टिक किया है मैंने, बस यहाँ से ओके कर देंगे तो आपका सॉल्वर ऑप्शन दिखाई पड़ने लगेगा कुछ इस तरीके से। अब इस पर क्लिक कर देना है आपको, और क्लिक करने के बाद क्या होगा, एक नई विंडो ओपन होगी। अब यहाँ पर क्या करना है, देखिए यहाँ पर जो आपने टोटल किया, ये देखिए टोटल का भी टोटल मैंने किया हुआ है, और इसी टोटल को आपको कर लेना है सेलेक्ट, तो बस यहाँ पर क्लिक कर दीजिए तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, यहाँ पर आना है, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है बाई चेंजिंग वेरिएबल सेल्स, ठीक है, तो यहां पर आ जाइए और देखते हैं ये लिखा हुआ है बाय चेंजिंग वेरिएबल सेल्स, तो ये देखिए यहां पर जो ये डेटा बना हुआ है जिसमें नेम ऑफ आइटम प्राइस यूनिट और टोटल मैंने किया है, इसमें यूनिट भी लिखा हुआ है, तो ये यूनिट पूरा सेलेक्ट कर लीजिए। ये जो यूनिट है इसी के बेस पर हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो आपको ये पूरा यूनिट कर लेना है सेलेक्ट। अब हमें नीचे आना है इस वाले सेल में, ये जो दिख रहा है ना ये सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट, यहां पर आना है और ऐड पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही ऐड पर क्लिक करते हैं तो एक नई विंडो ओपन होती है, यहां लिखा हुआ है सेल रेफरेंस। अब ये सेल रेफरेंस क्या है और यहां पर हम क्या यूज करेंगे, तो देखिए यहां पर जो सेल रेफरेंस है इसी को सेलेक्ट करना है, ये जो टोटल है इसी को सेलेक्ट कर लीजिए, और यहां पर देखेंगे कि कंडीशन दी हुई है, तो कंडीशन में हम क्या करेंगे, कंडीशन में हम देंगे कि इक्वल है ना। अब चूंकि हमें गिफ्ट वाउचर खर्च करने, इतना सामान हमने परचेज किया इतने रुपए का, 50000 से अधिक का हो गया, तो ये गिफ्ट वाउचर हमको मिला, ये गिफ्ट वाउचर आपको दिख ही रहा है, ठीक है, तो ये जो गिफ्ट वाउचर है अगर ये यहां पे करेंगे, अगर ये अमाउंट जो है इक्वल की बात करेंगे हम, तो ये इक्वल कर दिया हमने और यहां पे दिया हुआ है कांस्टेंट, तो अब आ जाते हैं कांस्टेंट वाले पर। यहां पर आने के बाद अब गिफ्ट वाउचर वाला अमाउंट सेलेक्ट कर लीजिए, बस हो गया, इसको ऐड करवा दीजिए, तो एक तो ऐड हो गया। अब दूसरा कंडीशन क्या देना चाहते हैं वो हमें देखना है, ठीक है, तो दूसरे कंडीशन में हम ये चाहते हैं कि कोई भी डेसिमल वैल्यूज यहाँ पे ऐड ना हो, तो डेसिमल वैल्यूज ऐड ना हो इसके लिए हमें इंटीजर फॉर्मूला यूज करना चाहिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, तो अभी हमें इसमें इंटीजर यूज करना है। क्या देना है हमें, यहां पर हम यूनिट को सेलेक्ट करेंगे, ये पूरा यूनिट वाला सेलेक्ट कर लीजिए, टोटल नहीं करना है आपको, और यहां पर हम करेंगे इंटीजर, तो यहां पे देख सकते हैं इंट भी दिख रहा है, तो इंटीजर कर दिया हमने, और इसको भी क्या करेंगे ऐड कर देंगे इस तरीके से। तो ये दो कंडीशन तो हमने ऐड कर दिया, अब तीसरी की बात कर लेते हैं कि ये जो क्वांटिटी है ना इसी क्वांटिटी को हमें करना है सेलेक्ट, ठीक है, तो ये क्वांटिटी कर ली सेलेक्ट हमने, और अब हमें क्या कहना है, देखिए क्वांटिटी को सेलेक्ट करने के बाद यहां पर हम लगाएंगे इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ये देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू है, और यहां पर हम कह देंगे कि जीरो, तो जो भी क्वांटिटी है वो जीरो ना हो, बस ये कह करके, और यहां से अब क्या करना है हमें
इसको भी ऐड करवा देना है। तो अभी हमारे पास कुल मिला के तीन कंडीशन ऐड कर दिया और यहां से कैंसिल कर दीजिए। तो कैंसिल कर देंगे तो देखेंगे कि जो तीनों कंडीशन आपने लगाई थी वो यहां पर आपको डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, ये बहुत इजी है, एक बार समझ लेंगे और एक बार कर लेंगे तो अभ्यास में आ जाएगा और फिर ये चीजें होने लगेंगी, बहुत इजी है। ठीक है, ये नीचे आपको सॉल्व का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो यहां पर डेटा में चेंजेस देखिएगा जब हम सॉल्व पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहां पर मैं क्लिक करने जा रहा हूँ सॉल्व पर और फिर होगा डेटा में कुछ चेंजेस। तो यहाँ सॉल्व पे जैसे ही क्लिक किया मैंने तो आप देखेंगे कि कह रहा है कीप सॉल्वर सॉल्यूशन, तो बस यहां से ओके कर दीजिए या फिर ये दिया हुआ है सेव सिनेरियो तो यहां से ओके कर दीजिए। तो जैसे ही ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर कीबोर्ड की ₹220 प्राइस है और इसने एडजस्ट कर दिया कि ये जो आपको गिफ्ट वाउचर मिला है इसको किस तरह से स्पेंड करना है। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर मान लीजिए 7000 का मॉनिटर खरीदेंगे तो गिफ्ट वाउचर हुआ तो आप 1000 का है तो कहां से स्पेंड हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो आप फिर देखिए यहां पे 7000 का है तो ये भी स्पेंड नहीं हो सकता, यहां पे 20000 का ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो ₹220 को किस तरीके से स्पेंड करना, क्या आप सामान खरीदेंगे इनमें से, यहां पर मौजूद क्या सामान आप खरीदेंगे इनमें से, आपको ये एडजस्ट करके वैल्यू दे दिया है, देख सकते हैं। इसी को सॉल्वर कहते हैं। आई होप कि ये पूरी कंफ्यूजन जो है क्लियर हो गई होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।